Thank you so much for being back into my childhood. It is hashtag Vinay Special and I'm your personal auxiliary Vinay Panekar. ये एक सॉल्व एग्जांपल का क्वेश्चन है जो सबसे इजी है बट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है. क्या लिखा है यहाँ पर? चेक वेदर 301 इज इन द सीक्वेंस और नॉट. सीक्वेंस क्या है आपका? 5, 11, 17, 23. तो आपको पता है T1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू आपका क्या है? 5. T2 इज इक्वल टू क्या है? 11. T3 क्या है आपका? 17. D क्या रहेगा आपका? T3 माइनस T2 17 माइनस 11 कितना आएगा आंसर आपको? 6. यस, T2 माइनस T1 भी करते हैं, 11 माइनस 5 भी करेंगे तो D आपको क्या मिलेगा? 6. इतना D आपका कंफर्म हो गया 6 है. A आपका कंफर्म हो गया 5 है. अभी आपको चेक करने का है कि सीक्वेंस में 301 आएगा कि नहीं आएगा. तो यहाँ पर देखो, ये सीक्वेंस APA आपको प्रूफ हो गया. यस, इफ 301 इज द nth टर्म देन TN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D इज इक्वल टू 301. ये मुझे पता है कि कोई ना कोई नंबर में 301 आ सकता है. Therefore 301 इज इक्वल टू 5 इंटू N माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 5 प्लस 6N. इन्होंने क्या किया है? 6 इंटू N 6N, 6 इंटू 1 6. ऑलराइट, 301 इज इक्वल टू, इन्होंने 5 और माइनस 6 को क्या रख दिया? इन्होंने माइनस कर दिया है. अब इसी चीज को हम लोग यहां समझेंगे. देयरफॉर द सीक्वेंस इज इन एपी. यस, द सीक्वेंस इज इन एपी. अभी हम लोग को पता है कि ए हमारा क्या है? 5. डी क्या है? 6. वी नो टीएन का फॉर्मूला बोलो. यस, अभी टी एन मुझे पता है कि मेरा एक नंबर है जो है 301. ओके, ए मुझे पता है मेरा 5 है. कितने नंबर पे आएगा मुझे पता नहीं है. एंड टर्म मुझे पता नहीं है, इसके लिए उन्होंने यहाँ पर भी क्या रखा है? एंड टर्म हम लोग को पता नहीं है. ऑलराइट, तो हम लोग यहाँ पर एन को एन ही रखेंगे. डी क्या आएगा अपना? 6. 301 इज इक्वल टू 5 प्लस 6 इंटू एन 6N, 6 1s are माइनस 6. समझे? 301 इज इक्वल टू प्लस 5 है माइनस 6 है. प्लस 5 माइनस 6, मुझे बताओ क्या होता है? प्लस 5 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 1. तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ? माइनस 1 प्लस 6N, माइनस 1 प्लस, ये क्लियर हुआ आपको? अब मैं 301 को माइनस 1 को इधर लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 1. 302 इज इक्वल टू 6N आएगा. N इज इक्वल टू 302 अपॉन 6 लिखूंगा मैं, तो ये तो कटेगा ही नहीं 6 के टेबल में. कटेगा क्या? 6 5 30 आएगा, बट ये 2 नीचे आएगा तो 6 के टेबल में 2 आता है क्या? नहीं, ऐसा हो जाए हमको 0 डालना पड़ेगा. यहाँ पे डॉट आएगा, 6 3 18, ऐसा कुछ. N इज इक्वल टू 5.3 आएगा जो कि नेचुरल नंबर नहीं है. तो डेफिनेटली ये हमारा इंटीजर है तो ये सीक्वेंस में नहीं आ सकता है. तो 301 जो नंबर है वो सीक्वेंस में नहीं आएगा. यस और नो? Since the answer is in decimal or integer form, therefore 301 is not the sequence of the above given AP, is not the sequence of the above given. इतना clear हो गया आपको? 3 मार्क्स के लिए इजीली पूछा जाएगा आपको एक क्वेश्चन, ये अच्छे से सॉल्व करना.
ऑलराइट, पर मैंने क्या बोला था, हर पेपर के सब में आपको क्या दिखाना है, अपना प्रेजेंटेशन। तो आप प्रेजेंटेशन कैसे दिखाओगे, देखो यहाँ पर इसको अंडरलाइन कर लिया अच्छे से, यस वी नो दैट को अंडरलाइन किए, ओके। फिर ये फॉर्मूला को क्या कर देना है आपको, मार्क्स कर देना है, ये आपको इसका मार्क्स मिल जाएगा, ओके। लास्ट का जो स्टेटमेंट है उसको भी आपने क्या कर दिया, अच्छे से मार्क कर दिए, आपको मार्क्स मिल गए। यस द मोर द प्रेजेंटेबल योर पेपर लुक्स, the more you know increasing the chances of getting the marks. Am this I clear? This is how we have really worked out a bit harder. Champions को कब तक मिले तो लो ना, और उसी के through आपके सारे doubts को solve कर लो ना. Alright, with that also make sure that you're just giving a big fat thumbs up to this video, share with your best friend, and also with that make sure that you subscribe my channel if you're not done yet. Also with that comment down and tell me how was this video. Thank you so much.